यहाँ गृह मंत्री अमित शाह घर घर आकर वोट मांगने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ इतनी मजबूत है तो अमित शाह जैसे गृह मंत्री आकर एक घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, तो इसको आप कम चुनौती मान रहे हैं? ये चुनौती नहीं है सर, कुछ नहीं है। विराट भी इसी को वोट देगा और मुसलमान भी इसी को देगा, बल्कि पूरे सारे जितने भी इस सीट के सेक्टर वासी है सब उसी को। उनके कैंडिडेट बहुत रहे हैं यहाँ पे। अब वो कैंडिडेट प्रदीप जी बैठे हैं वहाँ से, मिलन होता नहीं। अब किसके पास जमा है, सामने एक राजा थे, सब उसी के पास चले जाते हैं। बताओ क्या किया, कोई प्राइमरी स्कूल बनाया हो तो बताओ, ये बताओ क्या क्या किस बेस पे वोट। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट सीट कैराना में हूं। अखिलेश यादव ने कैराना की लोकसभा सीट पर नाहिद हसन की बहन इकरा हसन को मैदान में उतारा है। आइए जानते हैं कि कैराना की जनता को इकरा हसन पर कितना भरोसा है और इकरा हसन कितना कमाल कर सकती हैं इस हॉट सीट पर। कैसे है चाचा? बढ़िया, अच्छा है। इकरा हसन पसंद है, बढ़िया है, पसंद है, बढ़िया है। उनका पहला दौर है, पहला चुनाव है, कितना भरोसा है? उनका तो पूरा परिवार ही राजनीति करने वाला है। लेकिन वो तो पहली बार मैदान में है, जिला पंचायत सदस्य उन्होंने चुनाव लड़ा था, हार गई थी। पहली बार अच्छा करेंगे, अब वो ही जीते इंशाल्लाह। इस बार अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। और उनका जो पीछे का राजनीतिक घराना रहा है, राजनीतिक काम रहा है यहाँ पर विकास का, वो कैसा रहा? वो भी अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। चाचा, जो यहाँ का ध्रुवीकरण है जाट और मुस्लिम का, उसका कोई असर? असर कुछ नहीं है, विराट भी इसी को वोट देगा और मुसलमान भी इसी को देगा, बल्कि पूरे सारे जितने भी इस सीट के सेक्टर वासी है सब उसी को वोट देंगे जी। क्या लगता है कैराना में क्या हो सकता है इस बार? कैराना में जो भी गठबंधन का प्रत्याशी आएगा, ये अभी समाजवादी पार्टी ने एक राशन जी को कैराना लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है, अगर इसमें कुछ चेंजिंग हो सकती है, जैसा कांग्रेस इसमें गठबंधन में आई या सुनील सिंह की लोकदल इसमें, जो चौधरी चरण सिंह की असली लोकदल है वो इसमें गठबंधन में आई है, और अन्य पार्टी भी गठबंधन में आने की संभावना, और आशा है कि बहुजन समाज पार्टी भी नहीं, अभी हाल में अखिलेश यादव ने इकरा हसन को दे दिया टिकट। क्या लगता है इकरा हसन कितना माहौल बना पाएंगी, अपने पक्ष में कितना वोट कर पाएंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त गठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएगा, हम उसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। हम यहाँ पर इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएगा, उसको भारी से भारी मतों से चुनाव जिताकर भेजने का काम करेंगे। और पूर्व में ये हमने इतिहास दोहराया भी है, 2016 के अंदर इकरा हसन जी की माताजी तबस्सुम हसन जी को हमने 2016 में लोकसभा का चुनाव भेजा था, जब इन्होंने जिन्ना का उठाया था, तो यहाँ पर जिन्ना नहीं गन्ना चला था, यहाँ पर जिन्ना नहीं चला था, यहाँ पर गन्ना चला था। ये किसान बेल्ट है और यहाँ पर किसान और मजदूर और अल्पसंख्यक लोगों का साथ में मिलकर सभी का संयुक्त काम चलता है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी मुश्किल जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है? नहीं, बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी आई हूँ तो यहाँ पे। अगर मृगांका सिंह को चुनाव टिकट होता है तो ये निश्चित है कि कांटे का चुनाव रहेगा, चुनौती बड़ी है जी, चुनौती बड़ी है। अगर मृगांका सिंह का टिकट नहीं है तो ये निश्चित है कि ये सीट इकरा हसन या जो भी गठबंधन का प्रत्याशी आएगा वो चुनाव निश्चित जीत रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पर चुनाव पर्सनली होता है चाचा, इकरा हसन को देखकर होगा या फिर पार्टी को देखकर होगा? ये तो पार्टी के सहयोग से होता है जी। इकरा हसन का भी इस टाइम माहौल बढ़िया हो रहा है, आती है क्षेत्र में, आती है जी, ऐसे वोट बनाने के लिए आती है, बढ़िया इसका दबाव है यहाँ से, बीजेपी का थोड़ा हल्का है, गठबंधन के सहयोग से। कैंडिडेट देखकर होगा या आज तक तो कोई विकास का काम हुआ नहीं, विकास का काम नहीं हुआ, फिर सब ऐसे लगातार कैसे जीत रहे हैं? ऐसे ही सहयोग, 2022 में भी उनके भाई को जिता दिया आप लोगों, आपके बार भी जिताएंगे,
आपके फिर से आज ऐसे जिताएंगे। मुझे क्या है, विकास हो नहीं रहा है लेकिन जिताएंगे। तो है कैंडिडेट हमारे शहर का है, प्रतीप जी है। बात तो नहीं है, मुस्लिम है तो मुस्लिम को देंगे। नहीं नहीं, बढ़िया विकास, भाजपा जो है विकास बढ़िया कर रही है। भाजपा कर रही है? हाँ बढ़िया विकास हो रहा, लेकिन वो उनके कैंडिडेट बहुत नहीं रहे यहाँ पे। अब वो कैंडिडेट प्रदीप जी बैठे हैं वहाँ से, मिलन होता नहीं। अब किसके पास जमे, एक सामने एक आ जाती है, सब उसी के पास चले जाते हैं। यंग लड़की है, पढ़ी लिखी है, टेले से फारिग हुई भी है, बढ़िया बढ़िया पकड़ है जी उसकी। तभी तो समझने आए हैं कि राजनीति में उतरना बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ हालांकि उनका घराना रहा है राजनीतिक, लेकिन फिर भी वो पहली बार है मैदान। की बार अगर उसे आजमा ले फिर देखा जाएगा बाद में। तो आप लोग मजबूती बनकर खड़े हैं? बढ़िया मजबूत है, सब उसी के कैंडिडेट है। नहीं जी, हाँ। आप नहीं देंगे? ना नहीं, हम नहीं देना। क्यों? 84 से लेकर 2024 तक अगर कोई भी एक ईंट लगाई हो कहीं से तो बताओ किस बेस पे दे रहे वोट, ये पागल हैं लोग। बताओ दीगा आज तक कुछ भी कराओ, 40 साल का सफर हो गया इनके राजनीति, इनके दादा से लेके पुत्ती अली आज। बताओ क्या किया, कोई प्राइमरी स्कूल बढ़ाया हो तो बताओ, ये बताओ क्या क्या किस बेस पे वोट मांगना रहे। वो तो कह रहे हैं हम यहाँ से दिल्ली से लेके लंदन तक पढ़ाई किया और उस शिक्षा का प्रसार हम यहाँ तक करना चाहते हैं। अपने लिए पढ़ाई की, हमारे लिए थोड़ी ना की, हमारे बच्चों के लिए क्या गया ये बताओ ना। अपना आप तो लंदन पढ़ने जा सकते हो, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ जाएंगे? अगर कोई कॉलेज क्या प्राइमरी स्कूल नहीं बनाया यार कोई, बताओ कोई 40 साल का सफर हो गया इनका राजनीति, और दादा से लेकर पोती तक का ली, सबको जिताया आई टू जेड, लेकिन अब के कोई विचार नहीं है ना, पहले ही था विचार, बस जीत गए थे, चलो इमोशनल कार्ड खेल दिया था इन्होंने, हमारा भाई अंदर जा लिया, हमारा भाई अंदर जा लिया, इसलिए जीत गई थी। अच्छा। अब के तो 2 लाख से हार है इनकी पक्की, 100%, और मुस्लिम 80% वोट नहीं देना इनके। मुस्लिम ही वोट नहीं करेंगे? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि समाज के हित में इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। बताओ अगर एक क्या हो, एक बता दो कितने खड़े देखो ये सारे मुस्लिम हैं, अगर कोई एक काम गिनवा देना तो मान जो उन्हें पूछो चेक से, एक काम गिनो कौन सा। देखिए काम का तो ऐसा है, जो भी पार्टी पार्टी ने प्रत्याशी भेजा है, रही बात इनके बड़ों से कुछ गलतियां हुई हैं ये सत्य है, लेकिन एक चीज़ हो रहा है, जो भी हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, हम जो भी गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार आएगा हम उसको वोट देंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है वो हमें, अगर 1984 में जिस आप इकराजन जी की बात कर रहे हैं, इकराजन जी के दादा जो चुनाव लड़े थे 1984 में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीम मायावती जी को कैराना से हरा कर भेजने का काम किया था, वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। बाबू उगम सिंह जी कैराना से विधायक रह चुके हैं कांग्रेस के सिंबल पर, और यहाँ तक कि मनोहर हसन जी भी कैराना से कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़े थे। ये लोग जो चाहे मृगांका सिंह जी का परिवार हो, उगम सिंह जी का परिवार हो, चाहे चौधरी मनोहर हसन जी का परिवार हो, इनकी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही हुई है और ये कांग्रेस के हिस्से ही होकर गुजरे हैं, और आज जितने भी ये राजनीति के बड़े मुकाम पर हैं तो ये निश्चित है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने ही इन्हें इतना मुकाम देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है कैराना को, जो भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ विरोध है, कांग्रेस और अभी सपा का गठबंधन हो गया है, सपा ने इकरा को उतार दिया मैदान में। देखिए यहाँ पर जो ज़्यादा फर्क अगर पड़ सकता है तो वो उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा। हमारे हिस्से में सहारनपुर की सीट है तो हमारा कैंडिडेट सहारनपुर से लड़ेगा, चाहे वो इमरान मसूद जी हो चाहे वो अन्य कोई प्रत्याशी हो। और रही बात यह जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चुनाव जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सिटिंग विधायक भी हैं, वो सिटिंग सांसद भी हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लगाकर जो मोदी रथ जो निकलने कर तैयार हुआ और भारतीय जो केंद्र की सरकार तक पहुंचने का काम हुआ वो कैराना से हुआ। आप यहाँ से बताइए किस हिंदू का पलायन हुआ, जितने भी यहाँ पर लोग हैं सभी से आप पूछ लीजिए किसका पलायन हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हीं का घर दिखा दिया गया कि इनके घर पलायन हुआ, यहाँ किसका पलायन हुआ। आज कैराना का युवा कहीं पर जाकर अगर कमरा मांगता है तो कैराना के नाम से उसे कमरा भी नहीं दिया जाता, क्योंकि कैराना को बाबू उकम सिंह जी सोड़ के बाबू उकम सिंह जी ने इतना बदनाम किया है जिसका कोई हिसाब नहीं। और रही बात बाबू उकम सिंह जी ने पब्लिक इंटर कॉलेज में पंचायत कर इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में भी इसे बुनाने का काम किया और 2019 में भी इसे बुनाने का काम किया और 2022 में भी इसे बुनाने का काम किया, और इसको बुनाने का निश्चित तरीका यही हुआ कि यहाँ गृह मंत्री अमित शाह घर घर आकर वोट मांगने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ इतनी मजबूत है तो अमित शाह जैसे गृह मंत्री आकर एक घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं तो इसको आप कम चुनौती मान रहे हैं, ये चुनौती नहीं है। लेकिन पिछली बार अभी आप देख रहे होंगे विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन तो जीत गए थे, तो हम इसी चीज़ के लिए कह रहे हैं ना
नाई दसन जीते तो वो इसी विरोध में तो जीते। एक तो आप कैराना को बदनाम कर रहे हो। मुजफ्फरनगर का जो दंगा था उसका असर यहाँ दिखाई देता है, अभी भी है कुछ? देखिए, मुजफ्फरनगर का जो दंगा था वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा करा गया था, उसका यहाँ फिलहाल कोई असर नहीं है। और जो कुछ भी था वो 2016 के बाद समाप्त हो चुका है, और सभी पार्टियों ने बहुजन समाज पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने 2016 में तबस्सुम हसन जी को यहाँ पर गठबंधन का महागठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार बनाया था, और उसका परिणाम ये हुआ था कि तबस्सुम हसन जी बहुत भारी मतों से जीतने का काम किया था यहाँ से। और ये सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। सोर ये उपचुनाव जो हुआ था सोर के बाबू कम सिंह जी के इनके देहांत के बाद तो उसमें तबस्सुम हसन जी जीती थी, जो कि सभी पार्टी का उसमें योगदान। पलायन की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर दंगा जब हुआ पलायन हुआ तो क्या उसका मलाल है अभी लोगों में? अभी नाहिद हसन ने तो अभी जमीन भी दी थी लोगों को, वहां पर अभी बसाया भी था, तो क्या उसके पक्ष में नहीं जाता है वोट? मुजफ्फरनगर के बात नहीं कर रहे हम, कैराना में एक हेडलाइन बनाई भारतीय जनता पार्टी ने और ऑफिस में बैठे उन चैनलों ने कि कैराना बना कश्मीर। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ कैराना के लगभग सैकड़ों लोग हैं, मैं इनसे किसी से आप भी पूछ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर यहाँ कभी पलायन हुआ है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने एक आपको भी मालूम है, सभी लोगों को मालूम है कि ध्रुवीकरण के लिए क्या गया, क्योंकि यहाँ पर कैराना के अंदर 40% लगभग मुस्लिम आबादी है और कैराना लोकसभा में भी लगभग 5.5 लाख के करीब मुसलमान हैं। तो इसी चीज़ के लिए क्या आप ध्रुवीकरण की राजनीति करोगे? तो इसी चीज़ के लिए कैराना से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है और 3 बार चुनाव हार चुके हैं विधानसभा का। और यहाँ कुछ भी कहें बाहर, लेकिन यहाँ की जनता एकजुट है, बिल्कुल समझ रही कि हमारा ध्रुवीकरण हो रहा है। बिल्कुल, कैराना को इतना बदनाम किया गया है, कैराना के भविष्य का सवाल जो था, जो बच्चे हैं उनके भविष्य इन्होंने लोगों ने बिल्कुल अंधकार में डाल दिया है।